चल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से मौत पर मुआवजे पर शर्तें जारी कर दी गई हैं। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, कोरोना से मौत पर मुआवजे की शर्त जारी कर दी गई है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। राशि पर पहला हक मृतक की पत्नी या फिर मृतिका के पति का होगा। वही योजना की अवधि 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक रहेगी। दावा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 तय की गई है। तो वित्त विभाग ने शर्तें जारी कर दी हैं, आदेश जारी कर दिया गया है कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। वहीं दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 तय की गई है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। वैभव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन एक आर्थिक सहायता राशि जरूर हो सकती है। 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की गई थी। अब इसी को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्या क्या शर्तें रखी गई हैं? ऋतु, केवल एक योजना के लिए शर्तें जारी नहीं की गई हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोरोना काल में जो मृतक हुए हैं उनको भरपाई के लिए 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला तो जो कोरोना योद्धा है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसके तहत उनको 5 लाख रुपए उनके परिवार को आर्थिक सहायता, इसके साथ ही उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। जो दूसरी योजना थी वो जो कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है कोविड के चलते, तो ऐसे जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनकी मदद के लिए चूंकि 5000 रुपए पेंशन, इसके साथ ही निःशुल्क शिक्षा देने की योजना भी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य था जहां इस तरह की योजना चलाई गई, तो उसके बाद दिल्ली ने भी इस योजना का अनुसरण किया था। जो तीसरी योजना की हम बात कर रहे हैं, जिस योजना की बात आपने भी की, वो अनुग्रह राशि की बात थी, जिसके तहत परिवार में जिस व्यक्ति की मौत कोरोना के चलते, व्यक्ति एक भी हो सकते हैं, संख्या 2 भी हो सकती है, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो मार्च से लेकर 30 जून तक के बीच में जिन व्यक्तियों की मौत कोविड के चलते हुई है, ऐसे व्यक्तियों को ये सहायता दी जाएंगी। 30 अक्टूबर अंतिम तारीख होगी जब तक इस योजना का फायदा लेने के लिए दावा पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो योजना की गई थी, उसके बाद वित्त विभाग के द्वारा इसको लेकर शर्तें भी जारी कर दी गई है। सबसे जो पहली शर्त है कि इसमें व्यक्ति की मौत कोविड के चलते हुई है, इसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अगर व्यक्ति की मौत कोविड के चलते नहीं हुई है तो योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जो मृतक होंगी उसकी पत्नी या पति पर, पति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं, ये सारे नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों ही योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जी बिल्कुल, बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई उनके लिए प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की थी और उसी को लेकर वित्त विभाग ने तमाम आदेश जो वैभव जी ने बताया वो जारी कर दिए हैं। 31 अक्टूबर अंतिम तारीख रखी गई है आवेदन देने के लिए।